बॉलीवुड के चमकते सितारों पर हम अपनी नज़र हमेशा गड़ाए रखते हैं, तो उन्हीं के साथ हमने स्पॉटेड किया कुछ मशहूर कलाकारों को हमारे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं नोरा फतेह से, जिन्हें हमने ऑफिस के बाहर स्पॉटेड किया। कहा जा रहा है कि नोरा फतेह सत्यमेव 2 में भी दिखाई दे सकती है और उसी के काम से नोरा अपने ऑफिस आई थी। रवीना टंडन हाल ही में अपने वेब सीरीज के शूटिंग से हिमाचल से वापस आई है और मुंबई के एयरपोर्ट पर हमने उन्हें स्पॉटेड किया, जहां रवीना टंडन बेहद ही अच्छे अंदाज में सबसे पेश आई। हाल ही में रवीना ने मनाली में बर्फ के बीच शाहरुख अंदाज में बाहें फैलाकर एक पिक्चर ली और उसे अपने 4.9 मिलियन फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। उसके बाद तो रवीना के फैंस ने उनके पिक्चर पर लाइक्स की बरसात ही कर दी। वेल, उनके इस अच्छे अंदाज को आप स्पॉटेड होते हुए देख ही सकते हैं कि वो काफी अच्छे से सबसे घुल मिल रही है और हाय हेलो भी कर रही है। मुंबई के एयरपोर्ट पर हमने चंकी पांडे को भी स्पॉटेड किया है, जिन्होंने रेड कलर का हुडी और कैजुअल जीन्स वियर किया है और साथ ही में अपने हाथ में एक बैग लिए खड़े हैं और लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। वैसे सोर्सेस से हमें ये पता चला है कि भले ही 2020 में चंकी पांडे ने उतनी ज़्यादा फिल्म नहीं की हो, मगर 2021 में चंकी पांडे दो बड़ी फिल्मों में रोल करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आइए हम आपको मिलवा देते हैं बॉलीवुड की मल्लिका यानी कि मलाइका अरोरा खान से। इनके हॉट फिगर की तारीफ तो अब हम अपने जुबानी क्या ही करें। आप इनके फिगर को देखकर इनकी उम्र का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते। मलाइका को हमने मॉर्निंग में अपने जिम जाने से पहले स्पॉटेड किया और वही मलाइका अपने कार में बैठकर सबसे हाय हेलो करते हुए वहाँ से गुजर गई। वही हमने मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के बाहर स्पॉटेड किया सलमान यूसुफ खान को। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि कुछ दिनों पहले रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया था और उसी सिलसिले में सलमान यूसुफ खान रेमो डिसूजा से मिलने आए थे। वेल, अभी रेमो डिसूजा की हालत काफ़ी अच्छी है और इस न्यूज़ पर हमने अपने चैनल पर पहले भी आपसे एक न्यूज़ शेयर किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बॉलीवुड से रिलेटेड हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सिनेब्रिटी को सब्सक्राइब करें और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर दें।